जी हाँ, हम जाट महाकुंभ का जो पंडाल है उस पंडाल के बिल्कुल पीछे के हिस्से पे अभी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका रुझान इस महाकुंभ को लेकर क्या है। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? जगदीश होड़ा। कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से ही हूँ, जयपुर से ही। अच्छा, तो क्या सोचते हो इस कार्यक्रम? सोचता क्या है, ये राजस्थान का बेड़ा गर्क करेगा ये मौजूदा सरकार। अच्छा, ये गहलोत है ना, कुर्सी के चिपकने के पीछे सब कुछ दाम पर लगाते जा रहा है। अच्छा। योगी आदमी को आने नहीं देता है, ये अपनी कुर्सी पर चिपके रहने के लिए, कोई भी नुकसान उठाने के लिए। आगे आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस 20 साल तक नहीं आएगी अगर ये अब भी इसको नहीं हटाया गया तो। ये है, क्या क्या नुकसान कर दिया जैसे? इसने नुकसान ही नुकसान है। अरे अभी तक ये प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाया है, इसका प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो खुद का तोता हो। जैसे यस मैन अध्यक्ष है ना, गोविंद सिंह लोटासरा। गोविंद सिंह लोटासरा तो क्या है, उसको तो पता है कि मेरा ये कार्यकाल में ये हो कि भाई मैं इसमें इतने साल अध्यक्ष रहा ना, इससे सिद्धि की टक्कर ले क्यों बर्बाद करे है। आए ना इस प्रोग्राम में गोविंद सिंह लोटासरा भी आए, वो बोल रहे है ना, वो यस मैन बना के छोड़ता है, वो ये कहता मैं तेरे को बनाया। अच्छा। लेकिन अरे योग्य आदमी को बनने नहीं दे रहे हैं। कौन है फिर योग्य आदमी, कौन बनना चाहिए? पायलट है ना। अच्छा, सचिन पायलट। सचिन पायलट अगर सत्ता संभाल लेता 125 सीट आती, अब 13 सीट आएंगे, 14 बना हुआ है, और वो भी वो जीतेंगे 13 भी जो सचिन ग्रुप के हैं। इस ये तो अपना आपने एक आदमी को नहीं जीता सकता है। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हर चीज में भ्रष्टाचार है। ये बताओ ना कहाँ कहाँ इसने कौन सी योजना है, जो भी योजना लाता है 1.5 साल से तो औरतों को फोन देंगे, औरतों को फोन देंगे, कहाँ गया वो फोन, कहाँ नेमकिन देंगे, नेमकिन देंगे, वो कटे गया वो नेमकिन है। कभी कहता कुछ नहीं, गांव देहाती एरिया में जाओ, ये जो कौन सी है इसकी योजना, ये स्वास्थ्य वाली है, इसमें एक आदमी एडमिट हो जाता है 10 लाख का पर्चा बन जाता है, ऊपर तक पैसा जाता है, है? वाजिब जिसकी जरूरतमंद आदमी का इलाज होता ही नहीं। अखबार न्यूज वगैरह देखते हैं आप? अखबार तो ये सही खबर तो निकल नहीं देता, अखबार को तो खरीद के रखा है। जितना इसने अपने एडवर्टाइज में पैसा खर्च कर रखा है, इतना समाज में जनता के हित के लिए कोई काम करता तो जनता का भला नहीं होता, ये तो सिर्फ अपना अपनी फोटो छपाना जवानीपन की वहां से लाता है, नए नए वो फोटो तैयार करने वाले ऐसे छापो ऐसे छापो है, करना धरना कुछ है नहीं है। 2 साल तक अंदर बढ़ा रहा, मेरे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया है, कड़ाका है मेरे में, थल्ला डल गया है, छांग बढ़ता है सिर्फ, ये कोई तरीका है क्या? सत्ता चलाने के लिए ऊर्जा होना चाहिए आदमी में, प्रदेश का दौरा करे, समस्याओं को बाहर जानकारी ले। ये तो हमने कुर्सी के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये तो रिकॉर्ड बना रहा है कि मैं कुर्सी मेरी कैसे सही सलामत रहे, बाकी 13 आदमी से 14 आदमी नहीं जीतेगा इसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं तो। ये बताया, आपका कहना है कि नेतृत्व तो सचिन पायलट को देना चाहिए, इसको बदल देना चाहिए तुरंत, इसको इनकी भला को आ जाए, इसको ये कह देना चाहिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ, जवान को सत्ता संभाला देनी चाहिए सचिन पायलट को, कांग्रेस की हालत ऐसी करेगा 20 साल तक कांग्रेस दोबारा नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं? पेपर लीक का बताओ, पेपर लीक का बच्चों का। क्या पेपर लीक? पेपर लीक आज ये पेपर की बात कह रहे हैं, पेपर ये खुद लीक करवाते हैं, पैसा इनको चाहिए, ये पैसा कहाँ जाता है? पैसे के कारण तो सीट पर बैठा गला नहीं, अगर अरे पेपर मेरे पास है तो मेरे से मेरी कुटाई करेंगे, जब ऊपर से लेने वाले का नाम नहीं बताऊंगा कि उसका नाम क्यों नहीं आता है, पैसा ये खुद लीक करवाते हैं। अगले 17-16 पेपर लीक हो गए, पेपर लीक करने वाले अभी तक मिला ही नहीं, निर्दोष। अरे तुमने लालच में आगे 2 रुपए कमाने के चक्कर में तुमने मेरे से खरीद लिया, लेकिन ये ना मैं तो तू तो मेरे से लिया है, हैं? मतलब आज के कार्यक्रम में क्यों आए? बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा। जाट समाज का कार्यक्रम है और जाट हित के अंदर ये जरूरी है, ये हमारे जाट समाज की कमजोरी है,
क्या क्या कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि ऐसे तोते के चक्कर में आ जाते हैं, संगठित नहीं रहे। तोता किसको कहा? तोता, तोता जो ढंग से नहीं बोल पाता उसका नाम तोता होता है। किसके, आपने किसको कहा है? मैंने तो ये बोलते हैं ना, ऐसे भी कुछ बोल जाते हैं गड़बड़। तो क्या क्या मांग होनी चाहिए जाट समाज? जाट समाज को संगठित होके, पार्टी विशेष का ये नहीं, हमारे तो समाज में ये कमजोरी है, एक वो हनुमान बेनीवाल है, जात आदमी को उसको गाली दे रहा है, कभी उसको दे रहा है, कभी उसको दे रहा है। अरे तुम एक जाट समाज को ही नहीं बख्श रहे हो तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? आज के कार्यक्रम में भी नहीं आए हनुमान बेनीवाल, बेनीवाल आने लायक भी नहीं है, समाज को ही गाली देता है होगा क्या? वो अपने आप को तोते से ऊंचा मान लिया, उसका सिर्फ सीएम वो देखा है, मैं सीएम बनूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता जाटों के वोटों से जीता है तू, अरब की बात जीत जा तो बता देना, जाटों को गाली दे रहा है तू। ये बाबू जी, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हैं? हम जमारामगढ़। अच्छा, जयपुर जिला। तो कैसा लग रहा है यहाँ के, क्या क्या मांगे होनी चाहिए जाट समाज की? जाट समाज को तो युवाओं को नौकरी चाहिए। अच्छा। युवाओं के लिए है ना, तो सबसे बड़ी कमी युवाओं की कमी, और ये हमने देखा जाट महाकुंभ जी, तो इसमें कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, नहीं बहुत अच्छा है, खूब इकट्ठे हुए हैं और सबसे बढ़िया काम है, बढ़िया कार्यक्रम है। हाँ, बहुत अच्छा। जाट महाकुंभ में कुछ और भी बुजुर्ग पीछे के हिस्से में बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर कुर्सियां लगाकर चार पांच बुजुर्ग हैं, माथे पर साफा है, और उनसे जानते हैं कि जाट महाकुंभ के बारे में वो क्या सोचते हैं। बाबू जी, एक बात बताइए कि मैं देख रहा हूँ इस पूरे कार्यक्रम में जो युवा है जाट समाज के वो आगे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो पीछे हैं, तो युवा आपको आगे जाने नहीं दे रहे, फिर ये क्या दिक्कत हुई है? दिक्कत नहीं है, उन्हीं का काम है, युवा आगे रहेगी तो उनको, लेकिन आए तो आप भी हो ना? नहीं, वो हमारे को लेके आए, बच्चे हैं हमारे, आगे वही रहेंगे, जब इतिहास बढ़ेगा उसे हमारा क्या इतिहास, हम तो आराम शांति में, हमारे बच्चे हैं वो। अच्छा, जो आराम से है ना, जितने कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीड़ भाड़ में कहीं, भीड़ भाड़ नहीं, आराम से राजू से हमारे को लाते हैं, खाने भी बिठा के लाते हैं, हमारे खाना लाते, तुम तो हमारे बच्चे हो, मैं बुढ़ा आदमी है पीछे रहेगा। क्या कह के लाए बच्चे आपको? क्या क्या कह के लाए कि आपको चलना है? पैसे का है? हाँ चलना है आपको, जो वह देख लेना, और क्या पता चल गया था आपको कि प्रोग्राम हो रहा है समाज? हाँ, तो क्या क्या मांग होनी चाहिए? आपने भाषण सुन रहे हो नेताओं के, जाट समाज के बहुत बड़े बड़े नेता है, जाट समाज की भाषण ही होना चाहिए और सब चाहिए। अच्छा, आरएस भी चाहिए। अच्छा, और आरएस क्या होता है? आरएस क्या होता है? आरएस जानते हो आप? क्या होता है आरएस? आप कह रहे हो आरएस चाहिए? अरे सब आरएस बच्चा, मैं खेती कर वाला। अच्छा, 450 है मकान है, उसके मैंने 1000 आदमी है कर्मचारी, गाँव है ना जयपुर जिले के, गेलोता गाँव है, गेलोता गाँव में 1000 कर्मचारी है। कौन सा गाँव है? गेलोता। कहाँ पे है? जयपुर जिला का लास्ट गाँव है, लास्ट गाँव है ये, उन्हीं के गाँव के आदमी है हम और हमारे बच्चे हैं, शिक्षा में भर। तो ये एक बड़ा असर हुआ है, जैसे उस गांव से युवा नौकरी लगे हैं तो बुजुर्गों को समझ आने लग गया है कि नौकरी का मतलब क्या होता है। पीछे नहीं खेलती है हमारे को, तो बहुत लिया पड़ती है काश्कार, अगर पीछे देखो देखिए ना, तो फिर बाकी बचेगा क्या यार, जय जवान जय किसान। अभी ये जो नेताओं के भाषण चल रहे हैं आपने सुने? बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने। भाई मांग कर रहे हैं जो वाजिब, क्या, क्या क्या मांग है? जो भी हमारे आरक्षण की मांग है 27% की जगह, तो 21 है तो 27 देना चाहिए। ये हमारा कम हो रखा है, तो ये नहीं है भाई जाट जाति का, ये सभी ओबीसी कास्ट का, सभी लोगों का है, ओबीसी जितनी भी जाति है, जाट किसी के लिए काम नहीं कर, सभी के लिए काम करते हैं। राजनीति पे क्या सोचते हैं आप? राजनीति पे, क्योंकि ये कार्यक्रम एक राजनीति से अछूता नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, राजनीति तो जैसे राजनीति क्या है, चुनाव आने वाले हैं। हाँ, चुनाव तो आ रहे हैं, काम करेंगे देंगे, वही अपना वही होगा सीएम। क्या क्या होगा? जो हमारी भाई जमीन मांगी है, जमीन मांगी भाई, जमीन के बारे में वो छात्रावास बढ़ेंगे, तो छात्रावास की जमीन देंगे तो उसके पार्टी भी समर्थन देंगे। अभी राजस्थान की सरकार ने तेजाजी बोर्ड का गठन किया है, तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जाटों का जब भी उखाड़ हुआ है, 98 में भी था, 98 में भी आरक्षण लेने के लिए आए थे, यहाँ तक नहीं पूछे थे भाई, कह दे दिया, सरकार देती है, सरकार सुन लेती है जाटों की, लेती है जो बोर्ड तो पहले ही बन देना चाहिए, पहले ही बनना चाहिए था ये बोर्ड, तो बहुत लेट बना है ये।
देरी कैसे हुई, क्या है? कैसे देरी हो? तो सरकारों ने की है देरी, तो क्यों नहीं दिया? आज तक बोर्ड बना देना चाहिए था इनको। ये जाट माफ कुमका है सर का, जाट माफ कुमका है, देखो कुछ है, युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। ये जाट महाकुंभ का असर है, जब तो दादाजी बोर्ड का कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, तो इसका सरकार को कितना फायदा मिलेगा चुनाव आने? सरकार को तो मिलेगा ही, कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, जो हमारे समाज की सुनवाई करेगी सरकार। कौन सी सरकार करती है? अभी सुनवाई गहलोत सरकार ने की, तो इसको फायदा मिलेगा गहलोत सरकार? इससे पहले की जो सरकारें रही है उसने तो कब सुनवाई कहाँ की? सुनवाई नहीं की सरकार ने। तो ये कहना है आपका कि कांग्रेस सरकार जाटों की सुनती है? किसान वर्ग का तो सिर्फ कांग्रेस सरकार ही पक्ष लेती है हमेशा, बाकी बीजेपी तो आज तक नहीं ली। ये तो बीजेपी में भी जाट नेता है ना? बीजेपी तो बीजेपी में पूंजीपतियों की पार्टी है, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। बीजेपी भी बीजेपी में जाट नेता है ना? बीजेपी में सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं तो काम, वरना वो अकेले क्या करें? वो अकेले क्या करें? और भी जाट नेता है भाजपा में और कर रहे हैं तो समाज। अब ये जामा कुंभ हुआ, जब भी तो ये कल्याण बोर्ड का तेजाजी का गठन हुआ है, नहीं तो पहले नहीं, पहले तो नहीं हुआ, ये अभी क्यों हुआ? जब भी तो हुआ है क्यों? जागरण, अब जाट समाज जागृत तो हो गया है, पहले वाली बात नहीं रही है। पहले जागृत था, पिछले 5 साल से हो रही है, 5 साल से मांग हो रही है, मांग तो पिछले 5 साल से हो रही है, लेकिन ये महा कुंभ का असर था जो तेजाजी का बोर्ड का गठन किया गया, और जो जाट समाज का जो पार्टी साथ रहेगी उसकी साथ पार्टी के साथ समाज रहेगा। कौन सी पार्टी है जाट समाज की? जो भी जो किसान से सीएम का उम्मीदवार पेश होता है, जो जाटों की कौन कौन होना चाहिए सीएम का उम्मीदवार? जाट समाज से होना चाहिए कोई भी। नाम बताइए ना एक दो। बहुत है लेकिन होना चाहिए जाट। आप नाम बता दीजिए ना एक दो। गोविंद सिंह डोटासरा है, सतीश जी पुनिया है, बहुत हनुमान जी बेनीवाल भी है। वो तो आए नहीं है इस कार्यक्रम पर, वो किसी कारणवश नहीं आए होंगे, लेकिन उनको निमंत्रण दिया गया था। क्या कारण हो सकता है? जैसे हो सकता है कारण तो कुछ भी हो सकता है, उनको निमंत्रण था, आना चाहिए समाज में, उनको भी आना चाहिए था। ये आना चाहिए ना के गलती की अनुमान मेरे मानते हो? गलती तो ना की, लेकिन समाज में आना चाहिए, अगर निमंत्रण दिया गया था तो समाज को आना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी बात है। ये तो समाज की मीटिंग थी, आना चाहिए था उनको। हाँ आना चाहिए था उनको, उनके भाई भी तो विधायक है ना आरएलपी से, आना चाहिए था उनको। समाज की मीटिंग थी, किसी पार्टी की मीटिंग थी नहीं, किसी पार्टी की थी नहीं। नारायण बेनीवाल जी से पोस्ट भी उसने भी करवाया है, इनको पीले चावल भी दिए हैं, हनुमान जी को भी दिए हैं। वो तो उनका दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वो जाने, बाकी उनको आना चाहिए था, समाज के नेता है, बड़े नेता है, और आना चाहिए था, खूब आदर सम्मान भी है उसका, युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश है हमारे हनुमान बेनीवाल, युवाओं की धड़कन भी है, लेकिन वो नहीं आए, उसका तो वो खुद निजी कारण हो सकता है, बाकी समाज में उनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। पूरे गांव से बस आई है, क्या क्या मांग होनी चाहिए जाट समाज की? मांग तो टीवी न्यूज देखते हो, कुछ अखबार पढ़ते हो? अखबार फुटबॉल को ना। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, जाट महाकुंभ हो रहा है, आपको कैसे पता चला? खेती किया नहीं करा तो राजनीति की क्या मतलब, मान तो मांगा थोड़ा बाद लगी, जो बच्चा बच्ची थे ना, बाकी खातरा है मैं, बाकी जनसंख्या ज्यादा वहाँ जाति की, तो मांगने का बजट कम दे मिले, बजट हाँ नौकरी को बजट कम दे मिले, आरक्षण कम दे मिले, मैं आज आरक्षण खातर मान बच्चे ने फूल आरक्षण मिलना था, आज जनसंख्या का आधार जो आरक्षण मिलना था आज। और क्या क्या चाहिए जाट समाज को? और तो कहते मैं सामी सेवा करना जनता की, मैं तो सारा दान पैदा कर, मैं खुद पढ़ा था जनता ने, मैं सरकार की परवाह कौन करा, मेरे माँ बच्चे की परवाह करा था, बात बच्चा दुख नहीं पावे, अब आरक्षण पूरा फूल मिले। अखबार वगैरह पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ अखबार। क्या चल रहा है राजस्थान में, कुछ पता चलता है? राजस्थान में अखबार में काय चाले जाए, सब मनमानी चाले जाए अखबार में, तो कौन कर रहा है मनमानी? नेता करता कौन करे नाम बताइए ना, जाट समाज से, जाट समाज से बड़े बड़े नेता है, किसान की कम सोचते हैं, किसान है एक ऐसा थंब है, किसान एक ऐसा थंब है जो सबको पालता है, किसान अन्न पैदा करता है, धरती का थंब है किसान। तो कौन है ऐसा नेता जो किसानों की बात करता है, किसानों के बारे में? नेता तो सारा ही जाटा तो देता ही देता, बोल नेता ही जाएगा, ढूंढा थोड़ा
तो ऐसा कोई नेता जानते हो, एक दो नेताओं के नाम, किस किस का नाम जानते हो? मांग विद्या भाई साहब से नेता मांग, कौन मांग? विद्या भाई साहब, आज जो भाषण दे रहे थे टाइम का, विद्या भाई साहब डॉक्टर ऋषि का लड़का। अच्छा, मांग एक देवता से, अरे मां की सुने थे देखो, ये एक ताऊजी है, ये बीड़ी पी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मन कौन आओ भाया बाटा, मन कौन आओ बाटा, काश कौन आवड़ा के बाबा ये जो बता रही है यार, आप बताओ, आप बताओ, बहुत बता 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 दे ये माँ की, तो बटना तो छोड़े को ना, मांगे विद्या भाई साहब माँ की छोड़े थे। अच्छा, जो भी मैं माँ की समस्या हो जाए बाद में बता देता, और माँ की छोड़े भी जब माँ की तेजी की बात आते देखो, और कोई जान बात बूझ रहे बताओ। नहीं, मैं राजनीतिक बोल रहा हूँ, राजनीतिक घटनाएं पहुंचती हैं आप तक, गांव तक, कि सरकार में क्या चल रहा है, बजट का कुछ पता चलता है आपको? बजट आपने जैसे अभी नौकरियों की बात की, खेती किसानी की बात की, आपका बजट हो कहीं चलो, कहीं बजट को तो तीन तीन लेना पड़ी जाए, खाली पड़ी जाए पानी आओगे, तीन तीन लेना पटक दी सरकार, एक लेन पहली खाली पड़ी जाए, दूसरी पटक दी, तीसरी पटक दी, बम यही छाट को नाव पानी की टंकी पहली बन रही है, दूसरी टंकी और बनाती, बम पानी दो नाम को नाव है, हर खाली बजट उठाओ तो बस वो काम से बजट को। तो आपने बात, आपने शिकायत की किसी से, आप किसी नेता, आपने कहा था ना कि अभी जिनका नाम लिया, माने शिकायत कर काहे करना, माने कोई सरकार से बात करो भाई, माने सरकार को टेली, सरकार ने मैं ज्यादा अन्न पैदा कर रहे, मान गाय दिली सरकार, किसान सरकार गाय दिली, विराट मुख्यमंत्री में बढ़ा दे सबने, मैं चुनाव बढ़ा दे, फिर तू पानी पा देसी कहीं आप आवला नहीं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आगे जब तू जार जी बजट की बात कर रहे थे, आज बात है बजट की, भाई बजट उठा ले, बजट उठ जा लो, बात गांव गांव पंचायत में सब सब सर्वे हो रहे थे सब। एक बात बताओ, ये जो नेता आए हैं जाट समाज के, गोविंद सिंह डोटासरा है, सतीश पूनिया है, और भी लगभग सारे राजा राम मिल, इनके जो भाषण चल रहे हैं आपने कुछ सुना है? हाँ, भाषण सुन रहे थे। अच्छा, अभी गोविंद सिंह डोटासरा का भी भाषण हुआ, क्या कहा उन्होंने? भाई जनता को, मैं जाति को कभी नुकसान कुछ करूंगा, आप बात कीजिए, मेन मुद्दों वही थे बस, भाई हमारी जाति को मैं नुकसान करूंगा कभी भी, जो भी वो काम हुआ ना भाई, ओटा का मान उड़ जाए, रोड़ा मत करो कहीं भी। अच्छा भाई, बा का मेन बात दो ही मुद्दा थे, एक तो कोई भी काम हुए वो काम हो लो सबको, लेकिन वो हल्लो नहीं होने जाए, चुप नहीं हो सके थे, दूसरी बात एक बार और की, भाई मैं नेतो छू लेकिन जातियों दूसरा कदे कौन करूंगा, और मैं ढो धर्म लेट जा रही हूँ, अब बात कीजिए बस, दो दो मुद्दा लिया जी। तो ये कुछ बुजुर्ग हैं जो इस पांडाल के बिल्कुल पीछे के हिस्से में बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे बीड़ी फूक रहे हैं, बीड़ी के कस ले रहे हैं, तो इनसे हमने बातचीत की, और आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानोत, जयपुर।